इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे अबाउट एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है। एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करता है। जब भी कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेटिव मोशन हो तो उस कॉइल में ईएमएफ या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। एसी जनरेटर एक आर्मेचर पर मुश्तमिल होता है। सिंपलिसिटी के लिए आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर कॉइल की शक्ल में दिखाया जाता है। हकीकत में आर्मेचर सिलेंडर नुमा होता है जिस पर बहुत सारी कॉइल्स को वाउंड किया गया होता है। आर्मेचर के साथ एक शाफ्ट अटैच की गई होती है जिसकी मदद से आप इस आर्मेचर को रोटेट कर सकते हैं। और यह आर्मेचर एक परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स के दरमियान रोटेट करता है। इस कॉइल के दोनों एंड्स को दो स्लिप रिंग्स S1 और S2 के साथ जोड़ा जाता है जो कि इस कॉइल के साथ साथ रोटेट करते हैं। इन स्लिप रिंग्स के साथ दो कार्बन ब्रशेस अटैच किए जाते हैं जो हर वक्त इनके साथ अटैच रहते हैं और ये कार्बन ब्रशेस रोटेट नहीं करते। जब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो आर्मेचर के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जिसकी वजह से आर्मेचर में एक ईएमएफ इंड्यूस होती है और ईएमएफ की वजह से कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है जो कि कॉइल स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस से होता हुआ लोड तक पहुंचता है। इनिशियली कॉइल वर्टिकली पड़ी हुई है और इसकी साइड ए भी ऊपर जबकि साइड बी सी नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड है। जैसे ही कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो हाफ रोटेशन के बाद साइड ए भी ऊपर चली जाती है जबकि साइड सी डी नीचे चली जाती है। प्रेजेंट केस में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मुताबिक साउथ पोल की तरफ कॉइल की जो भी साइड होगी उसमें करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द स्क्रीन होगी। और कॉइल की जो साइड नॉर्थ पोल की तरफ होगी उसमें करंट की डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन होगी। सो करंट की डायरेक्शन DCBA की डायरेक्शन में होगी। सो करंट कार्बन ब्रश B1 और गैल्वानोमीटर से होता हुआ कार्बन ब्रश B2 में दाखिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हाफ रोटेशन के लिए साइड ए भी ऊपर आ जाएगी जबकि साइड सी डी नीचे। अब दोबारा अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो साइड ए बी में करंट की डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन होगी। जबकि साइड सी डी में आउट ऑफ द स्क्रीन होगी। करंट ए बी सी डी की डायरेक्शन में फ्लो करेगा और B2 और गैल्वानोमीटर से होता हुआ कार्बन ब्रश B1 में चला जाएगा। सो इंड्यूस करंट हर हाफ रोटेशन के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करे अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है जो कि पावर स्टेशन से हमारे घरों तक आता है। इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।